हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल डिजिटल। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, मैन्युअली कैसे अपलोड कर सकते हो, अगर इफ अगर आपके पास में ऑलरेडी प्लगइन है वो कैसे इंस्टॉल करना है, सी पैनल के थ्रू से कैसे प्लगइन अपलोड करके उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं वो क्या प्रोसेस है, क्या है, कैसे करना है। चलिए सीखते हैं। तो गाइज, मैंने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लिया है। और मैं यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में हूँ। प्लगइन सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप बिगनर हो तो मे बी आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखता रहेगा ये वाला। तो आपको यहाँ पे आना है, प्लगइन में आना है। प्लगइन में आप जैसे रोल ओवर करोगे वहाँ पे ऐड न्यू करके ऑप्शन आएगा आपको। ऐड न्यू करने के बाद में यहाँ पे दो तरीका है यहाँ से अपलोड करने का। जैसे मैंने कहा प्लगइन अपलोड, इफ अगर आपके पास में प्लगइन है तो आप यहां से अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूले बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अभी मैं सर्च करता हूं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहां पे प्लगइन दिख गया मुझे। सो मैं यहां से इंस्टॉल करके आपको एक बार बताऊंगा। इंस्टॉल हो रहा है। एक्टिवेट। सो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है। सो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है अपलोड करने का। आप ये अपने wordpress.org की साइट पे आइए और प्लगइन में जाके आपको सिर्फ सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। आप अपने डैशबोर्ड में आइए, जो ऑलरेडी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल है हम पहले उसको डीएक्टिवेट करते हैं और डिलीट करते हैं। मैं प्लगइन डिलीट कर रहा हूँ। अभी यहाँ ऐड न्यू करूँगा। मैं ऐड न्यू में मुझे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ। ड्रैग कर लिया, या तो मैं यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ से मैं उठा सकता हूँ। यहाँ पे किया इंस्टॉल नाउ एक्टिवेट प्लगइन। सो यहाँ पे प्लगइन हो गया। दूसरा है, इफ अगर आप यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्टली सी पैनल के थ्रू से प्लगइन एक्टिवेट कर सकते हो। सी पैनल में आइए। अंदर जाने से पहले हम लोग ये प्लगइन को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। टेक्निकल डिजिटल डॉट इन में WP कंटेंट में आइए, प्लगइन में आइए और यहाँ पे अपलोड ऑप्शन है तो चूज फाइल करो। मैं डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। द सिस्टम इज अपलोडिंग फाइल। ओके, अपलोड हो गया इतनी जल्दी। सो लेट अस रिफ्रेश। आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ चुका है। आप एक्सट्रैक्ट करिए यहाँ से। एक्सट्रैक्ट किया आपने और अगेन रीलोड पे क्लिक करिए। ये इसको क्लिक मारिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपका ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ पे प्लगइन हमने डाल चुके हैं। किधर गया वर्डप्रेस? हम प्लगइन में चेक करेंगे, इंस्टॉल प्लगइन में। दोस्तों, हमने वहाँ से प्लगइन सी पैनल से अपलोड तो कर दिया था बट वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको अगेन वर्डप्रेस में आना पड़ेगा और यहाँ से आप एक्टिवेट पे क्लिक करिए और ये एक्टिवेट हो जाएगा। सो मैंने आपको बताया वर्डप्रेस में आप प्लगइन आप डायरेक्टरी के थ्रू से कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, न्यू अगर आपके पास में डाउनलोड प्लगइन है वो कैसे अपलोड कर सकते हो और सी पैनल के थ्रू से आप कैसे अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप अपना FTP से भी इसी तरह से कर सकते हो। FTP पैनल में जाके आपको डायरेक्टली अपना फोल्डर चूज़ करना है WP कंटेंट और वहाँ पर डायरेक्ट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में अगेन आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फाइल्स। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको आपका प्लगइन एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको डेफिनेटली वर्डप्रेस में आना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस
इफ अगर आपको कुछ क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो।